नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप देख रहे हैं विश्व के प्रमुख उद्योग के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक है, वो उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों, कौन सा उद्योग कहलाते हैं? वो मूलभूत उद्योग कहलाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। जो उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं वो मूलभूत उद्योग होते हैं। ठीक है, उद्योगों की स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वेवर ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया था? वो वेवर ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि फूट लूज उद्योग कौन सा उद्योग है? तो फूट लूज उद्योग दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। ठीक है, इसके बाद किस देश का लौह इस्पात उद्योग कोयले पर आधारित है? तो फ्रांस का, फ्रांस देश का लौह इस्पात उद्योग कोयले पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में कौन सा उद्योग वैश्विक स्तर पर आधारभूत उद्योग माना जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, ये वैश्विक स्तर पर दोस्तों आधारभूत माना जाता है। ठीक है, इसके बाद एल्यूमिनियम उद्योग की स्थानीयकरण का आधार क्या है? तो विद्युत की सुविधा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? तो चीन ने। ठीक है दोस्तों, चीन ने सबसे पहले कागज बनाना प्रारंभ किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कनाडा है। ठीक है दोस्तों, कनाडा जो है तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अखबारी कागज का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है विश्व की सबसे पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो स्कॉटलैंड के डंडी में। ठीक है दोस्तों, विश्व की पहली जूट मिल, ठीक है, स्कॉटलैंड के डंडी में स्थापित की गई है। वर्तमान में जूट उद्योग का केंद्रीकरण कहाँ मिलता है? तो भारत व बांग्लादेश में मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? तो कनाडा में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग में विश्व का कौन सा देश प्रथम है? तो चीन, चीन सूती वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों कि जहाज निर्माण में विश्व का कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो जापान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जहाज निर्माण में विश्व का कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर है? तो जापान। नेक्स्ट आता है कि तेल शोधन में विश्व का कौन सा देश अग्रणी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तेल शोधन में। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिकृत देश कौन सा है? तो सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिकृत देश कौन सा है? सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विश्व में रेशमी वस्त्र उद्योग का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चीन, रेशम का उत्पादन भी चीन ही करता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑटोमोबाइल्स उद्योग की दृष्टि से किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो जापान का है। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों, सिएटल नगर में कौन सा उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? तो वायुयान निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों, किस देश में तेल शोधक कारखाने सबसे अधिक हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो तेल शोधक कारखाने अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि उद्योग धंधे किस प्रकार मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीयक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप याद रखिएगा, एग्जाम से पूछे ही जाएंगे इसमें से। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं कौन सा उद्योग कहलाते हैं? तो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं कौन सा उद्योग कहलाते हैं? कुटीर उद्योग। नेक्स्ट आता है, किस उद्योग के स्थानीयकरण में कुशल श्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो हीरा कटाई उद्योग। नेक्स्ट आता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो न्यू कौशल में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे संगठित उद्योग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे संगठित उद्योग है दोस्तों वो सूती वस्त्र उद्योग है। जापान का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? दोस्तों ओसाका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जापान में कोयला एवं कपास का अभाव है, फिर भी वहाँ सूती वस्त्र उद्योग विकसित क्यों? दोस्तों ये नवीन तकनीकी एवं जल विद्युत की सुविधा के कारण। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कौन सा उद्योग विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, ये विकास के उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, नाइट्रोजनी
उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, चीन है। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो अबादान, ये ईरान में है, ठीक है दोस्तों। पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ईरान में है दोस्तों, वो कौन सा है? अबादान, ठीक है। तो ये रहे दोस्तों विश्व के प्रमुख उद्योग धंधों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अगर चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।